1, 3 के क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड क्वेश्चन है। फर्स्ट पॉलिनोमियल है आपका x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, दूसरा पॉलिनोमियल है 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो देख लेते हैं ये ऑर्डर में है, ये भी ऑर्डर में है पूरा। पावर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर यहाँ पावर 1 है वेरिएबल की, और फिर कॉन्स्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको डिवाइड करना। यहाँ लिखेंगे हम, क्योंकि हमें फर्स्ट पॉलिनोमियल से सेकेंड वाले को डिवाइड करना है। ये हमारा डिवाइजर है 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने स्टेप। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से कंपेयर करेंगे, तो यहां पर दोनों ही पॉजिटिव हैं। एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x की पावर 4 है तो x की पावर 2 एक्स्ट्रा है, और यहाँ पर 3 है, यहाँ पे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, तो 3x स्क्वायर एक्स्ट्रा हो रहा है, वो यहाँ पे हमें लिखना है। कंपेयर वाले टर्म को अब हमें अपने डिवाइजर में मल्टीप्लाई करना है। तो 3x की पावर 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में होगा तो कितना आएगा 3x की पावर 4। 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 3x में करेंगे तो 3 3 जा 9 और x क्यूब आएगा, तो x क्यूब वाले के नीचे ही हमें लिखना है। फिर 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो प्लस का 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर वाले टर्म भी नीचे लिखना है इसे। फिर हमें क्या करना होता है, हम साइन चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव था, निगेटिव पॉजिटिव है तो निगेटिव कर दिया, ये भी पॉजिटिव था तो निगेटिव कर दिया। अब सेम टर्म और अपोजिट साइन के उनको हमें कैंसिल कर लेना है। यहाँ 5x क्यूब है, यहाँ माइनस का 9x क्यूब है, तो प्लस का 5 और माइनस का 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 4, और इनके साथ क्योंकि वेरिएबल x क्यूब है तो उसको हम कॉपी करेंगे। यहाँ माइनस का 7 और यहाँ माइनस का 3, और x स्क्वायर वाले के नीचे ही हमने टर्म लिखा है, तो माइनस 7 और माइनस 3 कितना हो गया माइनस का 10, वेरिएबल x स्क्वायर था। ये टर्म को हम कॉपी कर लेंगे 2x प्लस 2। फिर रिपीट करेंगे अपने स्टेप को, x स्क्वायर यहां पर क्योंकि माइनस है, माइनस का 4, यहां आगे कोई भी वेरिएबल नहीं है तो माइनस का 4 हमें लिखना है, और x स्क्वायर है, यहां पे x क्यूब है तो एक x एक्स्ट्रा हो गया है, तो क्या हमारा कंपेयर करके वैल्यू आएगी माइनस का 4x, वो हमें क्वेश्चन में लिखना है माइनस का 4x। फिर ये जो कंपेयर करके हमें टर्म निकाला है इसका हमें डिवाइजर मल्टीप्लाई करना है, माइनस 4x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में तो माइनस का 4x क्यूब आएगा, माइनस 4x का प्लस 3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 और x x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर तो माइनस का 12x स्क्वायर, और ये हमने x स्क्वायर वाले टर्म के नीचे ही इसको कॉपी किया है। माइनस 4x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस का 4x, और x वाले के नीचे ही ये टर्म कॉपी कर देंगे। अब यहां पर हमें साइन चेंज कर देने हैं, इसे कैंसिल करना है क्योंकि ये सेम टर्म और अपोजिट साइन का है। माइनस का 10 और प्लस का 12 कितना आएगा आपका 2, और वेरिएबल दोनों के साथ x स्क्वायर है। यहां पर साइन का बहुत ध्यान रखेंगे क्योंकि ये प्लस का 12 वैल्यू से हम माइनस का 10 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू जो है वो बड़ी है तो प्लस का ही 2 आएगा, माइनस का 2 नहीं करेंगे। अगर माइनस और प्लस में भी गलती हुई तो आपका पूरा क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो गलत हो जाएगा और आंसर आप गलत निकाल देंगे, कोई रिमाइंडर रह जाएगा और आप कहेंगे कि ये इसका फैक्टर नहीं है तो गलत हो जाएगा। प्लस 2x और प्लस का 4x तो ऐड करेंगे तो प्लस का 6x आएगा प्लस 2। फिर देख लेते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है तो वेरिएबल में तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, यहां पर क्या एक्स्ट्रा हो रहा है 2, और दोनों ही पॉजिटिव है तो प्लस का 2 लिखेंगे। अब इस टर्म को हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करने पे 2x स्क्वायर आएगा, 2 का मल्टीप्लाई करने पे प्लस 3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6x आएगा, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे प्लस 2। अब हम इसके साइन चेंज कर देंगे और हम देख रहे हैं कि सारे ही टर्म सेम है और अपोजिट साइन के हैं, कैंसिल करेंगे तो 0 आएगा रिमाइंडर, तो आंसर हम लिखेंगे अपना सिंस द रिमाइंडर इज 0
देयरफॉर स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो ये कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये आपको डिवाइजर दे रखा है और ये डिवाइडेड है। देख लेते हैं क्या ये ऑर्डर में है। तो x की पावर 3, फिर 1 की पावर है, फिर कॉन्स्टेंट है। यहां पर x की पावर 5, फिर 3 पावर है, 2 पावर है, 1 है और फिर कॉन्स्टेंट है। तो ऑर्डर में है, बट डिवाइडेड में आपको क्या करना है कि अगर कोई भी वेरिएबल वाला टर्म लाइन से बीच में कोई मिस है तो आप क्या करिए कि उसको कोफिशिएंट 0 मानकर वो वेरिएबल लिख लीजिए, वो जो पावर मिस है वो वाला टर्म हमें लिख लेना है। तो चलिए लिख लेते हैं। ये है हमारा डिवाइजर और जब हम ये अपना डिवाइडेंड लिखेंगे तो इसे हम थोड़ा सा इसका फॉर्म सही कर लेंगे लिखने का, क्योंकि पावर 5 के बाद 4 पावर वाला वेरिएबल नहीं है तो आपको यहाँ पे कोएफिशिएंट 0 मानना है उसका और x की पावर 4 यहाँ पे लिख लेना है। फिर 3 पावर वाला वेरिएबल है हमारे पास, ये लिखा 2 पावर वाला, फिर 1 पावर वाला 3x प्लस 1। इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी हमें आसानी हो जाती है और गलतियां कम होती हैं। यहाँ फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से कंपेयर करेंगे तो दोनों ही पॉजिटिव हैं और x की पावर 5 है तो x की पावर 2 एक्स्ट्रा हो रहा है क्योंकि यहाँ x की पावर 3 थी। अब जो हमें कंपेयर करके हमें टर्म लाया है उसको हमें डिवाइजर में मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर का x की पावर 3 से, तो x की पावर 5 आएगा। x स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस 3x से, माइनस का 3x क्यूब ये आएगा, तो क्यूब वाले टर्म के नीचे ही हमें लिखना है, यहां नहीं लिख देना है, माइनस का 3x क्यूब। x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो प्लस का x स्क्वायर आएगा, तो x स्क्वायर वाले टर्म के नीचे ही हमें इसे लिखना है। फिर हम साइन चेंज करेंगे, यहां सेम टर्म अपोजिट साइन के कैंसिल करेंगे, यहां इससे कुछ नीचे कुछ भी नहीं था तो इसको हम कॉपी नहीं कर रहे हैं, अगर कुछ होता तो हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करना होता कर लेते। यहां माइनस का 4 और यहां प्लस का 3, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का 1x क्यूब आएगा, वेरिएबल क्या आ गया, हम 1 नहीं लिख रहे हैं, माइनस का x क्यूब। यहां ये दोनों सेम टर्म है और अपोजिट साइन के, कैंसिल कर देंगे इसे, प्लस का 3x प्लस 1 ये कॉपी कर लिया हमने। फिर हम फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से कंपेयर करेंगे तो x क्यूब यहां भी है, यहां पे भी x क्यूब है बट माइनस का है, तो यहां पर माइनस लिखेंगे और यहां कुछ तो लिखना होगा, तो जब दोनों ही सेम है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है तो हम क्या कर लेंगे, 1 हम एज अ कंपेयर करने के बाद वहां पे लिखेंगे और 1 का मल्टीप्लाई माइनस 1 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे, तो माइनस का एक्स क्यूब, माइनस 1 का मल्टीप्लाई यहां तो प्लस का 3x, माइनस 1 का मल्टीप्लाई यहां तो माइनस का 1। साइन चेंज कर दिया हमने सबका, सेम टर्म अपोजिट साइन, सेम टर्म अपोजिट साइन, ये यहां पर 1 प्लस 1 हो रहा है, ये अपोजिट साइन के नहीं है, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो रिमाइंडर 0 नहीं आया। आंसर क्या लिखेंगे, सिंस द रिमाइंडर इज नॉट 0 देयरफॉर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट वीडियो देखिए जरूर।